गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम अवकलन के अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलनों के बारे में पढ़ेंगे। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं बच्चों? कि जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी 2x + y = 7, ये कोई समीकरण है। अभी तक आज तक आपको डिफरेंशिएशन में जनरली ये होता था कि y = जैसे इससे पहले जो पढ़ाया गया उसके अंदर क्या होता था कि जैसे y = आपको दे दिया साइन x, फिर आपसे कहा जाता था dy/dx निकालो, तो आप dy/dx यानी कि इस y का x के रेस्पेक्ट में यानी x के सापेक्ष अवकलन करते थे dy/dx, और इस साइड में राइट हैंड साइड में साइन का कितना हो जाता था cos x। अब आप पहली बार समीकरण के रूप में देख रहे हैं, आपसे कहा जाएगा कि दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करो। क्या करना है? दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करो, या फिर आपसे कहा जाएगा dy/dx, दी गई समीकरण के लिए dy/dx ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? dy/dx क्वेश्चन मार्क ऐसे कहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर, हम लिखेंगे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। देखो सबसे पहले टर्म कौन सी आई, 2x, 2x का अवकलन कितना होता है 1, y का अवकलन क्या लिखेंगे dy/dx, 7 का अवकलन कितना होगा 0, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आया बताओ, dy/dx बराबर कितना आया बोलो, -2, ये आंसर हुआ। उतारो ठीक है, ध्यान दो अब, हो गया ना ये। देखो अब इसमें क्या होता है बच्चों कि ये तो एक सरल प्रश्न था जो इजीली हो गया आपसे। इसमें क्या होता है कि वो एक प्रश्न इस तरह से देता है, जैसे x²y+ ठीक है xy² = 8, ये एक समीकरण है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अस्पष्ट फलन यानी के यहाँ पर जैसे x² है, y है, यहाँ xy² है, ठीक है। इससे पहले तो आपको डायरेक्ट क्या मिलता था कि भाई ये रहा y बराबर क्या है, जैसे x² + 2x + 7 ऐसे था पहले तो डायरेक्ट y बराबर देता था। इस बार वो समीकरण देता है और आपसे कहता है कि समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करो और dy/dx ज्ञात करो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पर तो हम डायरेक्ट डी वाई का अवकलन dy/dx क्योंकि x के सापेक्ष करते थे, x² का 2x, 2x का कितना 1 और 7 का कितना हो गया 0, ऐसे कर लेते थे, तो ये सिंपल था। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो, ये यहां पर ये जो समीकरण है, इस समीकरण का आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, यानी कि dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो dy/dx का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x² * y, ठीक है, ध्यान दो जरा, ठीक है, क्या है x² * y, तो यहाँ पर x भी चर राशि होती है और y भी क्या है चर राशि, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणनफल नियम लगेगा, क्योंकि दोनों चर राशियां क्या है आपस में गुणा हो रही हैं, क्या हो रही है गुणा हो रही है, तो गुणनफल नियम लगेगा। तो गुणनफल नियम क्या होता है बताओ, x² को रखा अपन ने, y का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा dy/dx, प्लस y को रखो x² का अवकलन करेंगे 2x, ये यहां से लेके यहां तक किसका अवकलन हुआ है, ये x² y का, प्लस xy² क्या करोगे बताओ, x को रखेंगे y का करेंगे तो 2y dy/dx। अब मुझे मालूम है ये क्या 2y dy/dx जो मैंने लिखा है ये आपके समझ में नहीं आया, अभी ये आएगा थोड़ी देर,
फिर प्लस, अब क्या होगा बताओ, x को रखा हमने और y का उगलन किया तो कितना लिखा मैंने 2y dy by dx, और y स्क्वायर को रखूं और x का उगलन कितना होगा 1, फिर बराबर 8 का उगलन कितना होगा 0। ठीक है, अब आपको ये वाली टर्म समझ में नहीं आई ना, क्या आ गई नहीं आई। देखो मेरे को यहां पर x को मैंने रखा, ध्यान से सुनना बात को, x को मैंने रखा और y स्क्वायर का अवकलन करना है मुझे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। पूरी समीकरण का हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, अब x को रखा और y का अवकलन किया हमने x के सापेक्ष, तो मैंने अलग से लिख दिया ये z बराबर y स्क्वायर, मुझे y स्क्वायर का अवकलन करना है ना x के सापेक्ष, तो मैं इस z का अवकलन कर दूं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यही तो होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं, तो आंसर आएगा इसका 2y dy by dx, क्या आंसर आएगा 2y dy by dx। अब मुझे मालूम है ये अभी भी मुझे पता है कि ये बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आई कि सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया तुमने 2y dy by dx, सही है कि नहीं है, अरे बोलो ना सही है ना, मुझे मालूम है सब पता रहता है हमको कि कौन सी बात समझ में आती कौन सी नहीं आती। लेकिन देखो वापिस से अब शुरू से बताता हूं तो अब समझ में आएगा, z बराबर y स्क्वायर है, मैं इधर y स्क्वायर है ना, यानी y का पद है, तो मैं क्या करूंगा y के सापेक्ष अवकलन करूंगा, क्या आएगा बोलो 2y, बोला आएगा कि नहीं आएगा, अरे z का y का पद है तो y के सापेक्ष अवकलन करूंगा तब तो 2y आएगा कि नहीं। जैसे मैं इधर ध्यान दो, जैसे z बराबर में x स्क्वायर लिखता और आपसे कहता x के सापेक्ष अवकलन करो तो तुम 2x नहीं लिखते क्या, बोलो लिखते हैं कि नहीं, तो y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y स्क्वायर का 2y नहीं लिखोगे, लिखेंगे सर ये बात तो सही है बिल्कुल लिखेंगे हम तो, ठीक है चलो ओके। तो ये बात तो समझ में आ गई ना ये वाली तो, अरे बोलो आई कि नहीं आई, ठीक ओके। इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 1, क्या डाल दिया अपन ने समीकरण नंबर, तो ये dz by dy का मान आया आपके पास। अब निकालना तो बच्चों हमको dy by dx है ना, निकालना है कि नहीं हमको डी जेड बाई डी वाई, थोड़ी निकालना है, निकालना हमको क्या है डी वाई बाय डी एक्स, मैंने सॉरी डी जेड बाय डी एक्स निकालना क्या है हमको, ये जो वाई स्क्वायर जिसको हमने जेड के बराबर लिख रखा है इसका अवकलन यानी वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष ये निकालना मुझे ये है। तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, देखो कैसे, डी जेड बाय डी वाई गुणा डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे गुणा के रूप में लिख दिया, तो बोलो dy से dy कैंसिल हुआ कि नहीं, अरे बोलो जल्दी, जैसे कल अपन बात बता रहे थे 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं, वैसे के वैसे, तो यहां पर dy से dy कैंसिल हो गया, ठीक है कितना आया dz अपॉन dx आया कि नहीं। अब बच्चों बात क्या कि ये dz by dy का मान तो है हमारे पास, कितना है बोलो 2y * कितना हुआ dy by dx, बोलो हुआ या नहीं जल्दी से बताओ, हो गया ना ठीक। तो अब बात समझ में आई तुम्हारे, क्योंकि मुझे इस z का x के सापेक्ष अवकलन करना था, y के सापेक्ष अवकलन थोड़ी करना है, किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैंने पहले इस z का y के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आया 2y, फिर मुझे dz by dx निकालना है तो dz by dy into dy by dx किया, ठीक है तो यहाँ पर dz by dy का मान कितना होता है 2y, दिए 2y लिख दिया, फिर इंटू में कितना आया dy by dx। अब आई बात सुनने, देखो अब एक जनरल बात बताते हैं, सब देखना ध्यान है ना, ठीक है आप भी सीख जाओगे, ज्यादा कठिन चीज नहीं है। जैसे मैंने z बराबर w स्क्वायर लिखा, क्या लिखा ध्यान से देखो, अब मुझसे कहा जाए कि एक्चुअल में आप क्या निकालो dz by dx निकालो, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है, क्या निकालना है dz by dx, ठीक है dz by w है तो मैंने क्या किया बच्चों dz by dw निकाला पहले, तो बोलो कितना लिखूंगा 2w लिखूंगा, इसमें तो परेशानी नहीं है ना। अब dz by dx निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा dz by dx बराबर dz by dw into dw by dx लिखूंगा कि नहीं, तभी तो dw से dw कटा है, dz by dx ही तो है, dw से dw कट गया। अब बताओ dz by dw का मान कितना है, बोलो 2w,
है या नहीं है, तो गुणा क्या कर देंगे अपन बताओ, यहां क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी ए। अब यहां पर ध्यान दो, देखो काम की बात, डायरेक्ट लिख देंगे अब इस पे ध्यान दो, यहां पर पद किसका है, डब्ल्यू का, और किसके सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हो आप, एक्स के सापेक्ष। यहां पर जेड बराबर, इससे पहले जेड बराबर मैंने लिखा वाई स्क्वायर, पद किसका है, वाई का, और अवकलन किसके सापेक्ष करना चाह रहे हैं बोलो, एक्स के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर का कितना होगा, टू वाई इंटू क्या लिखूंगा, डी वाई बाय डी ए। आई बात में, यहां पर देखो पद किसका है, डब्ल्यू का, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहा हूं, तो डब्ल्यू स्क्वायर का कितना आएगा, दो डब्ल्यू इंटू में क्या लिख दूंगा, डी डब्ल्यू बाय डी ए। ठीक है, अब जैसे और समझो, अब थोड़ी थोड़ी सी आ रही होगी समझ में, आ रही है ना, वेरी गुड। ठीक, देखो अब पूरी आ जाएगी समझ, मैंने तो लिख दिया यहां पर, ठीक है, जेड बराबर यू स्क्वायर। अब बोलो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, अपन ध्यान देना, देखो डी जेड बाय डी एफ डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोलो क्या लिखूं, टू यू इंटू बोलो पद किसका, यू का, ऊपर आ जाएगा, किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो नीचे आता है। आगे बात सुनने, अरे बोलो आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ आई या नहीं आई। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां लिख दिया, दो मिनट के लिए, जेड बराबर एस क्यूब लिख दिया मैंने, तो क्या लिख दिया, करो एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, बोलो क्या लिखना, थ्री एस स्क्वायर, ये तो आएगा आएगा। अब क्या लिखूं, किसका पद है, एस का, किसके सापेक्ष बेटा, एक्स के साथ, ये और गुणा में आ जाएगा। समझ में आई कुछ बात, अरे बोलो आई कि नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, फिर नी भी आती समझ में, तो उसके अलावा भी अपने पास एक ट्रिक होती है इसकी, ठीक है ना, अभी बताएंगे वो बात। ठीक है, वैसे तो इतना कठिन नहीं है कुछ भी। तो अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है इस समीकरण में, समझ में आई। तो समीकरण का अवकलन पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, समीकरण का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के साथ, तो आपको प्रत्येक पद का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर देना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ध्यान से देखो आप, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने लिया ये डी वाई बाई डी एक्स, क्या आया बताओ, एक तो ये वाला पद और एक ये वाला पद, क्या कॉमन आया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो इधर से, टू एक्स वाई, भाई इन दोनों पदों में ही तो है डी वाई बाई डी एक्स, दो एक्स वाई कॉमन आया कि नहीं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो टू एक्स वाई तो बचा, इस पद में तो टू एक्स वाई बचा, और इसमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा या नहीं बचा। ठीक, फिर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे होगा कि नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया बोलो, माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, उतार लो इसको, हो गया।
ठीक है, ध्यान दें। देखो अब मैं एक प्रश्न और देता हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बराबर सात, यह समीकरण है। आपसे कहा जाता है समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी x के सापेक्ष तो पर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक करने पर करो क्या आएगा बताओ। यहां पर वही दो है, x को रखेंगे, y स्क्वायर का बोलो क्या लिखूं, दो y, किसका पद है y का, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष। अब आगे होगी बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लस ठीक है। अब क्या करूं बोलो, x को रखा वाई स्क्वायर का, करा वाई स्क्वायर का रखूंगा, x का अवकलन एक, एक के साथ यहाँ x के क्यों नहीं करें, x का पद है और x के सापेक्ष करें तब तो एक ही आएगा, ठीक है, वो तो x के सापेक्ष करें और पद y का हो तब होता है ऐसा। आगे बात सुने, फिर बोलो दो, ये दो, x को रखा y का अवकलन करो dy by dx, ठीक है, प्लस सॉरी ये x को रखा y का अवकलन कर दिया dy by dx। अब क्या रखूं, y को करूंगा x का अवकलन a, ठीक है, बराबर कितने, एक सात का अवकलन जीरो। अब आप dy by dx वाले पद ढूंढो, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, दिख रहा है। चलो dy by dx कॉमन लो, क्या आएगा बताओ, यहां क्या बचा 2xy, यहां क्या बचा, ये dy by dx है, 2 into x गुना होगा ना, x तो गुना है ही, तो बोलो क्या बचा 2x। बाकी सबको उधर ले जाओ, कौन कौन गया, एक तो ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का वाई हो जाएगा, हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ, और कुछ बचा, और तो कुछ भी नहीं है। तो dy by dx क्या आंसर आया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बोलो 2xy प्लस 2x, उतार लो। फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि ये प्रश्न जो है वो एक ट्रिक से भी हो जाता है जिसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हो गया, बच्चे लोग हुआ कि नहीं, ध्यान दो। देखो इधर अब ध्यान दो, अब अपन इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को करने की एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन लिखा था एक्स वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई बराबर कितना लिखा था बताओ, सात, ये सात लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आप जानते हो, जानते हो कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कोई भी समीकरण अगर आपके पास हो तो आप डायरेक्ट डीवाई बाई डी एक्स लिखो, इस तरह से ओब्लिक यानी बटे वाली लाइन लगाओ, क्या लगाओ, बटे वाली लाइन, फिर यहां लगाओ माइनस और फिर लगाओ एक ब्रैकेट, समीकरण का
एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, किसके सापेक्ष, एक्स के साथ, एक्स के सापेक्ष अवकलन जबकि वाई को कांस्टेंट मानना है, ब्रैकेट बंद। क्या लिखा मैंने, पूरी समीकरण है ना ये, पूरी समीकरण, इस पूरी समीकरण का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन सुविधा हो गई अब आपको, ये y जो है अब चर राशि नहीं है, कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, क्या मानना है, कांस्टेंट। समझ में आ रही कुछ बात, ठीक है। और नीचे क्या करना है आपको, y समीकरण का y के सापेक्ष अवकलन करना है जबकि x को क्या मानना है, कांस्टेंट। आई बात समझ में, ऐसे करना है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देख dy by dx। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये माइनस लगाया, ये ब्रैकेट, ठीक है। पहला पद देखो क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। अब y क्या है यहाँ ऊपर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y क्या है, कांस्टेंट। तो ये वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर कांस्टेंट यानी वाई बराबर अगर तीन लिखा हुआ होता तो वाई स्क्वायर स्क्वायर नो होता, तो आप नो को लिखते हैं कि नहीं, यानी सबसे पहले आप वाई स्क्वायर लिखो। अब ये बच्चा केवल ये एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक, तो यहाँ लिख देंगे एक, हुआ कि नहीं, ये पहला पद हो गया पूरा। फिर आ जाओ प्लस, बोलो वाई तो कांस्टेंट है भैया, तू तो आगे रे, एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलो टू है, ठीक है। फिर के सर इसका बराबर माइनस सात, तो ये माइनस सात इधर लेंगे तो माइनस सात हुआ कि नहीं, इस सात का अवकलन जीरो, कोई परेशानी, बोलो परेशानी, सुविधा हुई कि नहीं हुई तुमको। नीचे आ जाओ, अब एक्स को तो कांस्टेंट मानना है और वाई के सापेक्ष अवकलन होगा नीचे, तो बोलो एक्स तो कांस्टेंट है, तू तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष अवकलन टू वाई होगा, y स्क्वायर का पद है और y के सापेक्ष अवकलन करें, x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष 2x लिखते हो कि नहीं, तो y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 2y होगा। अब कोई dy / dx की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, ठीक। तो ये पहला पद हो गया, दूसरे पर आओ, बोलो x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना तुम्हारा, और y का अवकलन y के सापेक्ष 1 आएगा कि नहीं, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है कि नहीं, लिखते हो कि नहीं, माइनस सात जीरो। अब देखो तो एक ही लाइन में आंसर आ गया, ये हम जरूर पहली बार कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। बोलो क्या आंसर आया, टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर है ये रहा टू एक्स वाई और ये रहा वाई स्क्वायर, है कि नहीं है, नीचे कितने एक है, टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी आंसर आया आपका माइनस का टू एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन कितना है, टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर मिलाओ, आप आंसर मिलाओ। ये क्वेश्चन पहले भी तो कर रखा अपन ने, देखो 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 जल्दी, सेम आ गया कि नहीं, समझ में आई आपको। अब एक्चुअल में देखो, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इसको उतार भी लो आप, ये बड़ी काम की ट्रिक है कि सर ये ट्रिक कहाँ कहाँ लगती है, ये हर जगह लगती है क्या, ये ट्रिक हर जगह लगती है, ठीक है, कोई से यह अवकलन हो उसमें भी लग जाती है, लेकिन इस ट्रिक का उपयोग आपको अस्पष्ट फलन यानी समीकरण का अवकलन करने पर ही करना है, ठीक है। देखो जैसे मैं इसको समझा देता हूँ, दो मिनट उतारने की जल्दी मत करो। मैंने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, ठीक है। अब इसका अवकलन तुम जानते हो 2x होता है, सिंपल है ना, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक जो है ये यहाँ भी काम करती है, आप तो लिखो dy / dx बराबर माइनस, ऊपर बोलो x के सापेक्ष अवकलन y कांस्टेंट, तो ये जो समीकरण है इस समीकरण को पहले ऐसे लिख लो y माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, है कि नहीं है, जल्दी बताओ। तो ऊपर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y को कांस्टेंट मानना है, तो कांस्टेंट है y, तो कितना आंसर आया जीरो माइनस, ठीक है, x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 2x,
होगा कि नहीं? नीचे आ जाओ, नीचे क्या करेंगे अब इसका y के सापेक्ष अवकलन x cos tan, तो y के सापेक्ष अवकलन, तो y का y के सापेक्ष अवकलन एक, और x तो कॉन्स्टेंट है ना बच्चा, जीरो। अरे बोलो आंसर कितने का आया, आया कि नहीं? तो ये ट्रिक लग तो सभी में जाती है, लेकिन y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए इसे एक ट्रिक लगा के क्या करूंगा, इसका आंसर तो मुझे वैसे ही पता ना, दो एक्स आएगा, समझ भाई। तो ये ट्रिक कहाँ काम आती है ज्यादा, जब एक्चुअल में समीकरण दी गई हो ऐसे, जिसमें भी x और y के पद गुणा हो रहे हो, समझ में आ गई क्या बात की नहीं है? ठीक है, तो इस ट्रिक से अवकलन तो हम दुनिया के सारे ही कर सकते हैं, आई बात है? ये मैंने उदाहरण बताया, सारे ही कर सकते हैं अवकलन तो, लेकिन सरल सा प्रश्न हो तो उसके लिए हम एनर्जी का एक खर्च करेंगे, समझ में आ रही क्या? अब उतारो, ये दूसरा उदाहरण हो गया है। अब आपको जो शीट मिली हुई है, ध्यान से सुने, आपको जो शीट मिली हुई है ठीक है, वो शीट जो है उसके प्रश्न आप करेंगे अवकलन के पूरे, ठीक है, जो प्रश्न नहीं आएगा वो कल आप मेरे से पूछेंगे, समझ में आ गई? ओ लाला समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अवकलन पढ़ा दिया ना तुमको पूरा, ठीक है, अब बच रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, तो उसके बाद अब ये अनुप्रयोग ही पढ़ाएंगे। पर हाँ बच्चा लोग हो गया, आराम से उतारो, ठीक है, ठीक है ना? चलो देखो आप, एक प्रश्न और अपन और दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाएंगे अवकलन का पहला अनुप्रयोग, झुकाव ज्ञात करना यानी कि स्लोप, ठीक है, ध्यान दो जरा। जैसे मैंने लिखा 2xy प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू 6,
ठीक है, चलो करो इसका अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है यानी डीवाई बाई डी एक्स याद करना है आपको, तो डायरेक्ट डीवाई बाई डी एक्स लिखो माइनस, ठीक है। ऊपर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष, वाई को कॉन्स्टेंट यानी संख्या मानते हुए, कॉन्स्टेंट का मतलब संख्या। तो देखो यहां पर दो एक संख्या है, वाई एक संख्या है, तो दो वाई तो संख्या हो गई, ठीक है। एक्स का अवकलन एक, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो एक्स, ठीक है। फिर बोलो प्लस, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, बोलो वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन दो एक्स, माइनस छ जीरो हुआ कि नहीं। नीचे क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नीचे क्या करेंगे y के साथ, करो अवकलन y के साथ, y के सापेक्ष अवकलन में x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो 2x कांस्टेंट हो गया, y का अवकलन एक, प्लस बोलो y के सापेक्ष अवकलन में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, y का अवकलन एक, क्या आंसर आया बताओ। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई अपॉन बोलो टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उतारो बराबर, हो गया। अब पढ़ेंगे बच्चों अपन स्लोप यानी के झुकाव, क्या पढ़ेंगे स्लोप यानी के झुकाव। हो गया ये, देखो स्लोप यानी के झुकाव क्या होता है बच्चों की, देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, मैंने ये एक रेखा था, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये धनात्मक एक्स एक्सिस से जो कोण बनाती है उस कोण का अगर मैं टेन ले लूं, क्या ले लूं, ठीक है। यहां पर ये जो रेखा है ये रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में, कौन सी दिशा में, वामावर्त यानी के एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं, ऐसे घूमती है, न्यू घूमती है कि नहीं, ठीक है। तो न्यू नहीं घूमनी है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, ठीक है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, ठीक है, ऐसे नापना है, ठीक है, ऐसे। ये देखो एरो मैंने न्यू बना रखा है, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में कोण नापा, मान लो कोण कितना आया थीटा, तो उस थीटा कोण का आपको ले लेना है टेन, क्या ले लेना है टेन। तो ये टेन थीटा जो है इसे बोलते हैं हम रेखा का झुकाव, क्या बोलते हैं, रेखा का झुकाव, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित। जैसे मान लो ये कोण 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो m बराबर क्या लिखेंगे अपन, टेन 30। m का मतलब बताओ क्या समझोगे, m का मतलब रेखा का झुकाव, क्या समझोगे। तो टेन 30 बराबर कितना होता है 1/√3, तो रेखा का झुकाव कितना आया 1/√3। आई बात समझ में, उतारो।
हो गया। देख अब बच्चों बात क्या है, मैथमेटिक्स में ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ध्यान देना। मैथमेटिक्स में अगर मैंने कोई समीकरण लिखी जैसे वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना, ध्यान देना। इधर मैथमेटिक्स में मैंने एक समीकरण लिखी वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, तो यहां पर देखो कि जो चर राशियां हैं एक तो एक्स है और एक वाई है, इनकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, कितनी है एक। तो ऐसी समीकरण जो होती है वो रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब है ये रेखा को निरूपित करती हैं। क्या करती हैं? ये क्या करती है? रेखा को निरूपित करती, ठीक है। अब देखो कि सर कैसे करती है, हम गाय को माने मत मानो, सही बात है। देखो आपको मुझे पता है कि कक्षा 10 वाले जो बच्चे हैं उनको ग्राफ बनाना बहुत अच्छा आता है, और ग्राफ में उनको कुछ भी सिखाओ वो सीख जाते हैं। पता है क्यों? ये बात पता है मुझे, इसलिए पता है क्योंकि ग्राफ में, ग्राफ का क्वेश्चन आपके कक्षा 10 में 6 नंबर का, जैसे 7 नंबर का आता था, कितने का आता था? 6 का। अब गुरुजी ने तुमसे कही थी कि 6 नंबर का प्रश्न आवे ही, फिर गुरुजी ने बहुत धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस कराई, ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, तो तू सीख गोगे नहीं, सीख गया कि नहीं। तो ऐसे जब एक गुरु मेहनत करता है और जब वो बच्चे को बताता है कि इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बच्चा भी बेवकूफ थोड़ी ना है, पढ़ने गया है, समझ भाई, तो वो ध्यान देता है उस चीज पे, और ध्यान देते हो किसी चीज पर तो वो चीज आप जरूर सीखते हो। इस क्लास में बैठा हुआ जो बच्चा जो चीज पे ध्यान नहीं देगा वो चीज उसको नहीं आएगी, समझ में आ गई। इसलिए प्रत्येक लेक्चर, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी पढ़े आप, चाहे मैथ्स पढ़े, ठीक है, जिस आपको डेली, ठीक है, आपको डेली एक्चुअल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, इसलिए आप ध्यान से टीचर को सुने, और कंसंट्रेशन जितना ज्यादा आपका होगा आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। देखो तो मैं यहां पर बात कर रहा था, मैंने यहां लिया एक्स और यहां ले लिया वाई। एक्स का मान 0 तो बोलो वाई का मान 3, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 5, एक्स का मान बोलो माइनस भी ले लूं क्या, -1 ले लिया तो बोलो क्या आया, अरे +1 आया ना, एक्स का मान -1 लिया तो, अरे -1 +1 आया कि नहीं, ऐसे, क्लियर। चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पर कहां तक पहुंचना है? 5 तक, 1 2 3 4, ये 5, ये 5, ठीक है। बीच में कौन चाहिएगा अपन को? 3, 1 2 3, ये 3, ठीक है। एक्स में कौन कौन चाहिए? एक तो 0 ही है, ये रहा 0, एक ये रहा 1, -1 ये लो -1, सही है। चलो सबसे पहले 0 पर 3, ये रहा 0 पर 3, ये रहा, सही है। फिर बोलो 1 पर 5, ये रहा 1, ये वाला पॉइंट आया कि नहीं, ठीक है। फिर बोलो -1 पे +1, ये -1 पर +1, बोलो आया कि नहीं, तो बोलो ये ऐसे रेखा बनी गई, बोलो तो मेरी बात सही है कि नहीं है। अगर चर राशियों की अधिकतम घात एक हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाती है, और वो हमेशा एक सरल रेखा को व्यक्त करती है, कर भी दिया इसने। चलो अब अपने अच्छा रहा कि अपन ने एक्चुअल में ये इस रेखा का समीकरण, मतलब ये जो समीकरण थी उस समीकरण का ज्यामिति में डायग्राम बना लिया, बना लिया। अब बच्चों होता क्या है मैथमेटिक्स में, कोई भी जो सरल रेखा होती है, यानी कि कोई भी जो रैखिक समीकरण होती है, ये रैखिक समीकरण ही थी, इसको अगर हम y = mx + c के रूप में लिख दें, किसके रूप में लिख दें, तो इसे बोलते हैं रेखा का झुकाव रूप। क्या बोलते हैं? रेखा का झुकाव रूप। क्या बोलते हैं?
जहां पर एम क्या होता है, रेखा का झुकाव, क्या होता है रेखा का झुकाव, और सी क्या होता है वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, क्या होता है अंतःखंड का मतलब होता है टुकड़ा। देखो इस रेखा ने वाई अक्ष पर कितनी लंबाई का टुकड़ा काटा, ये तीन का काटा कि नहीं, तो देखो वाई इजुकल इसकी, देखो वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, ये जो वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री है इसकी इससे तुलना करो, करो तुलना, तुलना करना आता है, वाई की जगह वाई लिख रहा है टू एक्स, यहाँ लिखा एम एक्स, तो बताओ एम बराबर कितने हुआ दो, और सी बराबर कितने हुआ तीन। सी क्या चीज होती है, सी क्या चीज है वाई अक्ष पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड, यानी ये जो रेखा थी आपकी, इस रेखा ने वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा, तीन लंबाई का, ठीक है। तो एम बराबर कितना आया आपका दो, और सी बराबर कितना आया तीन, आया कि नहीं। अब ये बताओ तुम मुझे, दो मिनट के लिए ध्यान दो, चलो ये सी वाली बात तो तुम्हारे बहुत अच्छी समझ में आ गई, ये सर ये एम दो कैसे आया ज्यामिति से बताओ। देखो इधर ध्यान दो, ये जो रेखा थी आपकी, ये रेखा का धनात्मक एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण होता है उसे रेखा का झुकाव कहते हैं। तो बोलो ये कितना लिखो, अब मैंने लिखा एम बराबर क्या बोलते हैं अपन, टेन थीटा बोलते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है कि नहीं। तो बोलो लंब कितने, तीन से गए पांच दो, आधार बताओ आधार एक, बोलो एम बराबर दो आया कि नहीं, ये ज्यामिति से निकाला अपन, निकाला कि नहीं। कि साहब वो तो सारी बात सही है तुम्हारी, मना नहीं कर रहे हम, तुमने जो पढ़ाया सब सही, लेकिन तुम ये बताओ कि ये अवकलन का अनुप्रयोग कैसे है, सिखाया तुमने अवकलन, पढ़ा तुम अब रेखा गणित रे, है कि नहीं, ये चक्कर है कि नहीं है। अरे है यार चक्कर, तो बहुत बड़ा चक्कर कुछ भी नहीं है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो समीकरण है, इस समीकरण का अगर मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूं, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकाल दूं, तो कितना आएगा बोलो, दो, एक्स का अवकलन एक, तीन का अवकलन जीरो। कि ये बात है का गुरु जी, जब आई बार बात, ओ साहब ये तो एम आओ, डी वाई बाई डी एक्स का मान दो आया करे, इसका मतलब आपको जो डी वाई बाई डी एक्स किसी समीकरण में का आप अवकलन जब करते हैं, अब ध्यान सुनो, किसी समीकरण का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करके आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो उस रेखा के झुकाव को बताता है, समझ में आई, इसलिए पढ़ाया हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी समीकरण आपको दे, कोई भी रेखिक समीकरण आपको दे, आप देखे झुकाव निकालो, डायरेक्ट अवकलन करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम होता है, तो झुकाव बराबर दो आया आदमी, उतार लो अब इसको पूरी को।
इसका मतलब आपने क्या चीज सीखी है कि कोई रेखा अगर साहब हमको समीकरण दे दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो समीकरण है यानी कि रेखा जो है इस रेखा का, क्योंकि समीकरण रेखा को बताती है, इसका मतलब आपसे वो पूछेगा कि दी गई रेखा के समीकरण से, ठीक है, रेखा का झुकाव ज्ञात करो। तो आप क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, नहीं करोगे। चलो अभी मैं एक प्रश्न लिखाता हूं आपको, ठीक है ना। बता दो, आराम से उतारो पहले तो, तुम जब हाँ भर दोगे जब बताए। हो गया, यस बच्चों ध्यान दो। देखो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, लिखो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 द्वारा निरूपित रेखा का झुकाव ज्ञात करो। ठीक है, चपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलो करेंगे कि नहीं, बोलो। टू पहला पद x का अवकलन 1 प्लस 3 y का अवकलन dy by dx, 7 का अवकलन 0, dy by dx का मान निकालना है वही क्या होगा m। तो बोलो समीकरण में dy by dx बराबर क्या आएगा, बोलो। सबसे पहले तो माइनस का 2 ऊपर उधर जाएगा, ये माइनस का 2 उधर गया, गया कि नहीं, 3 का दे दूंगा भाग, क्योंकि मुझे तो dy by dx चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोलो क्या आंसर आया, माइनस 2/3। बस खत्म, कोई फोटो नहीं बनाना, कच्छू नहीं करना, कोई रामायण नहीं, dy by dx निकालना। अब तो पता पड़ गया, डीवाई वाई डीएक्स काय को सिखाया तुमको, झुकाओ ज्ञात करने के लिए, काय को सिखाया हो झुकाओ। अभी ये और भी काम में आएगा, ठीक है ना, ये तो उपयोग है ही कि कोई समीकरण दे दे तो वो रेखा बताएगी, ठीक है ना, और रेखा बताएगी तो उस रेखा का झुकाव आप डीवाई वाई डीएक्स से निकाल सकते हो। ठीक है, उतार लिया। मिटा दूं, देखो अब ध्यान। देखो अब बच्चों बात क्या है, ऐसे हेडिंग डालो वक्र का झुकाव,
अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि वक्र किसे कहते हैं बताओ। तो जानते तो हो साहब की कछु घूमी घूमी सी चीज होवे ना उसे वक्र कहते हैं। इतने से तो समझो तुम, जैसे तुमने कक्षा 10 के अंदर रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की पढ़ी थी। अरे याद करो, ठीक है, गोली दर्पण याद आया कुछ, पढ़ी थी ना, बताओ गोली दर्पण क्या होए, क्या होता है गोली दर्पण? नहीं पते, जब भी पढ़ के आया कक्षा 10 में फूक टॉक मेरी 90%, मेरी अस्थियों साहब बताओ तो भाई गोली दर्पण कहाँ है? हाँ बताओ, आराम से बताओ। क्या होता है गोली दर्पण, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताओ पहले, हो सकता है नहीं पढ़ा हो, मुझे गलत याद हो, पढ़ा तो है ना, बताओ। अरे हाँ बोलो बेटा, हाँ वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, बिल्कुल ठीक ठीक कोई बात नहीं, सही बताया आपने। देखो बच्चों, एक पारदर्शी गोला ले अपन, पारदर्शी गोला या कांच का गोला, समझ में आ रही है कुछ बात? जैसे मैंने एक कांच का गोला लिया, ठीक है, ध्यान दो इधर, ये मैंने कांच का गोला लिया, इस कांच के गोले का एक भाग ले लिया मैंने कुछ, जैसे ए बी, ध्यान दो रे, यहां पर मैंने एक कांच का गोला लिया और कांच के गोले का एक भाग ले लिया ए बी, ठीक है। अब मुझे इसे दर्पण बनाना है, तो एक भाग इसकी पॉलिश कर दूंगा कि नहीं, समझ में आई? तो पहली बात तो ये कि ये गोली दर्पण है, तो ये गोली दर्पण है, सबसे पहली बात ये हम यूं कहेंगे कि ये कांच के गोले का कुछ भाग, कांच के गोले का कुछ भाग जिसका एक भाग हम क्या करते हैं पॉलिश, पॉलिश करने को ऐसे साइन देते हैं, देते हैं कि नहीं देते, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण बना, अवतल के उत्तल, उत्तल कौन सा बना, उत्तल। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई गई। तो जैसे गोली दर्पण एक कांच के गोले का कुछ भाग होता है कि उसकी दो सतह हो जाती है, उनमें से एक सतह को हम पॉलिश कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर ये वक्र जो बनता है ये क्या चीज हुई, ये वक्र जो होता है ये वक्र क्या चीज है, एक व्रत लिया मैंने, वहां घोड़ा ले रहा था या व्रत ले रहा हूं, समझ भाई? इस व्रत का कुछ भाग जैसे ये ए बी, ठीक है, तो अब ये ए बी भाग क्या हुआ बताओ, ये वक्र नहीं है क्या? अरे बोलो ना, वक्र किसे कहते हैं, ये वक्र नहीं है क्या? तो ये घोड़े का भाग ही तो है, ये वक्र नहीं है क्या, समझ में आए? रेखा थोड़ी है ये, वक्र बोलेंगे ना इसको। तो एक वृत्त का कुछ भाग जो है वक्र कहलाता है, चलो ठीक है कहलाता होगा, मरने दो उसको, तो आगे बढ़ते हैं बंधु, बात करते हैं। देखो तो अब अच्छे बात क्या है कि इस वक्र पर अपन ने एक बिंदु पी ले लिया। पहले बात में वक्र के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो एक वक्र होता है ना, जैसे ये वक्र लिया अपन, तो यहाँ एक बिंदु ले लिया P, यहाँ एक बिंदु ले लिया Q, यहाँ एक बिंदु ले लिया R, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P पर इस वक्र की गोलाई अलग है, Q पर और अलग है, और R पर और अलग है, अलग अलग गोलाइयां होती है, हर बिंदु पर अलग अलग गोलाई है, आई गई बात में? इसलिए वक्र का प्रत्येक बिंदु पर झुकाव जो होगा वो अलग अलग होगा। झुकाव निकालते कैसे हैं वक्र के लिए, कि वक्र का कोई बिंदु जो है, ठीक है, उस बिंदु पर खींच दो आप स्पर्श रेखा, जैसे मुझे P पर झुकाव निकालना है तो क्या करेंगे अपन, P बिंदु पर क्या खींच दूंगा मैं, स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा धनात्मक x एक्सिस से वामावर्त दिशा में जो कोण बनाएगी, जैसे मान लो ये थीटा वन, तो MP, MP मतलब बिंदु P पर झुकाव कितना होगा, टेन थीटा वन, आई बात है? फिर ये क्यू बिंदु देखो, ये रहा क्यू बिंदु, क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची मैंने। अब क्यू बिंदु पर जब मैंने स्पर्श रेखा खींची, ध्यान से देखो उधर, तो ये तो थीटा वन था पी के लिए, ये इस कितना कोण आया, थीटा टू, अलग कोण आएगा, आएगा कि नहीं? तो बिंदु क्यू पर झुकाव कितना आएगा, टेन थीटा टू, अलग अलग गोलाइयां होगी हर जगह, इसलिए वक्र के प्रत्येक बिंदु पर झुकाव का मान अलग अलग होता है कि नहीं? एक अब ये आर बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींची, गल्ले बड़ो कोण आगो थीटा थ्री, आया कि नहीं, समझ में आ रही बात आपके? तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। तो वक्र के किसी बिंदु पर झुकाव कैसे निकलता है, उस बिंदु पर क्या करेंगे आप, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा धनात्मक एक्स एक्सिस से जो कोण बनाएगी, उस कोण का टेन थीटा आप लेंगे, उसे बोलेंगे उस बिंदु पर झुकाव। वक्र के लिए मैं दो तीन लाइनें लिखा देता हूँ आपको, लिखो काम की बात। लिखो
वक्र एक वृत्त का भाग कुछ भाग होता है। पहली लाइन जल्दी जल्दी लिख लो, वक्र वृत्त का एक भाग होता है, वक्र वृत्त का एक भाग होता है, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर गोलाइयां भिन्न भिन्न होती हैं, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर गोलाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट, गोलाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर झुकाव भिन्न भिन्न होता है, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर झुकाव भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। चौथी लाइन, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा द्वारा, स्पर्श रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से, स्पर्श रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत दिशा में बनाए गए कोण का, बनाए गए कोण का टैन लेने पर, टैन लेने पर उस बिंदु पर झुकाव प्राप्त होता है। टैन लेने पर, TAN लिख देना, टैन लेने पर उस बिंदु पर झुकाव प्राप्त होता है, ठीक है। चलो अब ये दो फोटो आप बनाएंगे, जिसमें ये वाला फोटो थोड़ा गपड़ सपड़ हो गया, समझाने में ऐसा कई बार हो जाता है, इसलिए मैं इसको वापस से बना देता हूं। ध्यान दो, ऐसे न्यू, बस दो ही बिंदु लेंगे ताकि हमको बात समझ में आए। बस ये पहला बिंदु देखो, ये स्पर्श रेखा खींची, ये कोण आया थीटा वन, ये दूसरा बिंदु देखना इधर, ये कोण आया थीटा टू, ठीक है। पहला बिंदु जो ये है, ये थीटा वन को थोड़ा सा मैं और इधर बना देता हूं, ये थीटा वन दिख गया, ये तो बिंदु P है और ये बिंदु Q, तो बिंदु Q के लिए एम पी ऐसे लिख दोगे tan थीटा वन, एम क्यू ऐसे लिख दोगे tan थीटा टू, ठीक है। तो आज के लिए बहुत ओके, ये दोनों फोटो बना लो।